हेलो माय डियर केमिस्ट्री लवर्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस होते किस तरह हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम शुरू से एक बार डिस्कस करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोलाइड करना ज़रूरी है। तो अगर मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना ज़रूरी है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी भी यूज़ होती है। आज हम क्या करेंगे कि उस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाने के लिए ज़रूरी होती है, और इसका जो नेम है इस थ्योरी का उसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। अच्छा, अब ये जो कोलिजन थ्योरी है ये क्या है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए हमें जिस थ्योरी की ज़रूरत है वो है कोलिजन थ्योरी। अच्छा, अब ये जो कोलिजन थ्योरी है ये हमें क्या बताती है? ये बताती है अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी ये क्या बताती है? अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस by only collisions of molecules। कि ये क्या होता है कि रिएक्शन हमेशा क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से होता है, यानी एक पॉइंट आपने ये जहन में रखना है। फिर दूसरा पॉइंट, नॉट all collisions are effective to make product। ये सारी की सारी collisions जो हैं ये effective नहीं होती प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या है, यानी हम एक तो ये कह रहे हैं कि कोलिजन्स होंगी तो रिएक्शन होगा, और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि कोलिजन जो है सारी की सारी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। तो फिर क्या हो सकता है? फिर हमारे पास एक तीसरा पॉइंट आता है, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन of collisions make product। होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ collisions जो हैं वो क्या करती हैं? वो प्रोडक्ट बनाती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो collisions हैं वो इफेक्टिव नहीं हैं, सारी की सारी collisions जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाती। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो ये काम करती हैं। अब हमें सोचना क्या है? हमें सोचना ये है व्हाट आर द मेन कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए मेन कंडीशंस क्या हैं? इसके लिए आमतौर पे हम ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो तो है दो होती हैं। वो क्या है? एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी जो है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए। वैसे तो एक और भी होती है जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं की जाती, और वो होती है फ्रीक्वेंट कोलिजन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहली जो कंडीशन है वो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव sufficient काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकें। नंबर दो, स्पेसिफिक orientation of molecules for the production of product के प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए आपके पास ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तीसरा मैं अपनी तरफ से एक और ऐड कर देता हूं, वो क्या है, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स के होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें खास तौर पे हमें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास इतनी हो कि वो रिएक्शन करवा सके। दूसरा, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस डायरेक्शन से टकरा रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये हो गया। और तीसरा, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। यानी ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो खास तौर पे आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से रिएक्शन होगा। अगर आपको इन पॉइंट्स का नहीं पता तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं करवा सकते। यानी आपको क्या करना होगा कि ख़ास तौर पे स्पेसिफिक या प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रीक्वेंट कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट की तरफ। अच्छा, अब ये जो है ये देखा जाए तो ये हम जो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी देखा जाए तो ये कोलिजन थ्योरी का अमल दखल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी या इसको कर लेते हैं सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी फॉर कोलिजन। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि आप एक बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए आप जंप लगाते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बैरियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक बैरियर है। अब ये जो बैरियर है इसको हम अगर इस तरफ जो जाना है इसको हम क्या देते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस, और इस तरफ जो है वो क्या है, एनर्जी हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, यानी ये क्या होगा, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जंप लगाना चाहते हैं। अब जब जंप लगाना चाहते हैं इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए तो आपके पास एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि इस बैरियर को क्रॉस कर सकें। यानी आप क्या करते हैं, आप पहले काफ़ी दूर से भागते हुए आते हैं। क्यों दूर से भागते हुए आते हैं कि ताकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है आपके मॉलिक्यूल्स की वो इतनी हो जाए कि आप उस बैरियर को क्रॉस कर सकें। इसी तरह से अब यहाँ पे जो है रिएक्टेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी, ये कंबाइन होके 2AB फॉर्म करते हैं। अब A और B जो है अब इनके पास इतनी एनर्जी हो कि इस बैरियर को क्रॉस करें, यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्रॉस करें, तो उसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर ये इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, सारे के सारे लोग जो जंप लगाना चाहते हैं इस एनर्जी के मुताबिक, अगर उनके पास एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं है तो वो जो है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपके पास ये ए और बी जो हैं, यानी A2 और B2 जो है, ये AB फॉर्म करना चाहते हैं। अब AB किस सूरत में फॉर्म करेंगे? जब ये क्या करेंगे कि इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स must have kinetic energy greater than EA, के EA से ज़्यादा हो। EA एक्टिव होता क्या है? चलें इसको हम मिटा लेते हैं, वैसे ही हमें पता भी है कि हमने करना क्या है। अच्छा, इससे पहले हम एक्टिव एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को पहले समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for effective collision, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ for making प्रोडक्ट। ठीक है, यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी? वो मिनिमम एनर्जी होगी जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड मैंने क्यों यूज किया कि जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगी। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें जो चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, के इस एनर्जी को हम क्रॉस कर सकें तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, अगर इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ईए। तो ये क्या होगा? फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी लेस देन ईए, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यानी अब आपने ये पॉइंट खास तौर पे जहन में रखना है कि अगर ए बी जो है, अगर इनकी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो फिर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होती। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास है N2 प्लस H2 मेक्स NH3। अब नाइट्रोजन दो हैं तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, 6 है तो 3 लगा देते हैं। अब ये हमारे पास, आपको पता है कि ये जो है ये हेबर प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है, यानी हेबर प्रोसेस को यूज़ करके हम एमोनिया फॉर्म करते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि एट 300 केल्विन अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो 1 × 10⁻¹⁰ कोलिजन्स होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 300 का मतलब क्या है? लो काइनेटिक एनर्जी। यानी 300 का मतलब क्या है? लो काइनेटिक एनर्जी। और 800 का मतलब क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी। यानी आपने क्या किया 300 केल्विन के ऊपर जो कोलिजन्स हो रही हैं 1 × 10⁻⁴ कोलिजन्स के नतीजे में ये प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन अगर आपने क्या किया इसको एट 800 केल्विन यानी आपने इसका जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन कर दिया। अब क्या हुआ 1 × 10⁻⁴ कोलिजन्स के ऊपर ये प्रोडक्ट बन रही है यानी हाई काइनेटिक एनर्जी। वो क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कम वक्त में ये हो सकता है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और क्लियरली हम एक बोल्ट्समैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, हम अगर उसको यूज़ करें तो उससे भी हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। यानी वो कैसे कि अब उसने क्या कहा, उसने इस टाइप का एक वो बनाया। अब उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब ये जगह और ये वाली जो जगह है इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे है मॉडरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरफ हो गई आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है हायर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब जो है अब वो क्या कहता है कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी। यानी इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यानी इन्होंने ये बैरियर आसानी से क्रॉस कर लिया। अब ये जो मॉडरेट हैं इनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसके नतीजे में वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यही वजह है कि अगर आपने क्या किया क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल या तो मॉडरेट या फिर लोअर एनर्जी रखते हैं, तो यही वजह है कि आपको फिर क्या करना पड़ता है कि जब आप उसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, और उसके नतीजे में फिर जो है वो कम कोलिजन्स के ऊपर भी प्रोडक्ट बन जाती है। अगर आप 10⁻⁴ का मतलब क्या है कि आप 1 के साथ 11 ज़ीरोज़ लगाएं, यानी आप क्या करते हैं 1 है इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतनी कोलिजन्स होंगी तो फिर आप एमोनिया को फॉर्म करते हैं। ये किसके लिए है, ये इसके लिए है। अगर हम इसके लिए चेक करें, अब ये 10⁻⁴ कितनी है, 4 है, यानी 1 2 3 4 कोलिजन्स। यानी इतनी कोलिजन्स होंगी तो उसके नतीजे में अमोनिया फॉर्म होगा। यानी इससे हमें खुद ही पता चल रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगी। अगर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी आपकी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपनी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाते आप प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट था कि जिसके अंदर सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी का था। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। यानी अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं लेकिन वो टकराना जो है वो आपका इफेक्टिव नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे शख्स के पास जाते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, वो भी क्या करता है आपसे हाथ मिलाता है। अगर आप दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ सही मिल जाते हैं फिर तो इफेक्टिव कोलिजन यानी फिर तो ओरिएंटेशन प्रॉपर है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप इधर से हाथ लेके आते हैं और दूसरा ऐसे निकल जाता है, अब क्या हुआ, अब आपका हाथ इस तरीके से उसके अंदर हाथ में नहीं आएगा। किस वजह से? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। या इसके अलावा आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप ले लें, जैसे कुछ लोग स्नूकर वगैरह या बिलियर्ड खेलते हैं, जब तक उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, उनके जो हम सपोज कर लेते हैं कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी उसके अंदर जो बॉल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप जब तक एक प्रॉपर ओरिएंटेशन क्रिएट नहीं करेंगे तो आप बॉल को होल के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इनका भी यही है। फॉर एग्जांपल के जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास A2 और B2 दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2AB फॉर्म कर रहे हैं, यानी आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं वो A और A, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, फिर B और B ये हैं। अब ये क्या होता है कि ये A और BB। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद फिर AA और BB ही फॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बनी। फिर आप क्या करते हैं, आपने लिया A और दूसरा हमने लिया B और B। अब ये इनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की हो जाती है। अब क्या होगा, ये जब प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वो कुछ इस तरह की होगी, AB और AB, क्योंकि AB प्रोडक्ट बन रही है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कोलाइड नहीं कर रहे, तो इस वजह से प्रोडक्ट भी नहीं प्रॉपर बन रही। अब ये जो है इसको हम कह सकते हैं सूटेबल ओरिएंटेशन। अब इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। या हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के हम क्या करते हैं, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब ये जो है ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है CH3 CH2Cl। अब ये बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसकी अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लें, अब इसके अंदर एक तो आपके पास ये है ओरिएंटेशन Cl हाइड्रोजन, ये ओरिएंटेशन है। दूसरी आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl H ओरिएंटेशन है। तीसरा आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये हो सकती है फॉर एग्जांपल आपके पास ओरिएंटेशन ये H हो गया, ये Cl। तीसरी आपके पास है हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl H, यानी एक ये वाली हो गई, एक इस तरह से हो गई, एक इस तरह से हो गई और एक इस तरह से हो गई। अच्छा, अब क्योंकि इसमें पहले बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो है ये है करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला है। और ये वाली क्योंकि इसके अंदर जो है क्योंकि Cl जो है Cl को भी अलग करवाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यानी असल में होता क्या है कि जब आप करवाते हैं तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है जो बॉन्ड्स को ब्रेक करवाती है। ब्रेक करवाने के बाद फिर कोलिजन होती है, जो ओरिएंटेशन अगर आपकी प्रॉपर होगी तो फिर तो इससे क्या होगा कि आपके पास इन करेक्ट ये वाला भी इनकरेक्ट, और ये वाला भी क्या होगा इनकरेक्ट। और चार किस्म की ओरिएंटेशन इस रिएक्शन के लिए है। एक तो ये वाली है जो कि करेक्ट ओरिएंटेशन है, और तीन हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं जो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन शो करती हैं। अब ये जो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है ये क्या करती हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करवाती, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाली जो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन है वही क्या करेगी, प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मैंने वैसे तो इसके जो मेन थे वो यही दो थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा जो है वो एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि इसको हम वैसे ही चेक कर लेंगे। तो तीसरा हमारे पास जो आता है वो है फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होती हैं, अच्छा अब ये क्या होता है कि कोलिजन्स हो कितनी रही हैं, या कोलाइड फॉर द रिएक्शन, के रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना ज़रूरी है। मोर फ्रीक्वेंटली मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कि जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कोलिजन भी फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, क्योंकि जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन सारे जो पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए हैं उसको जहन में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम अगर डिस्कस करना चाहें किस चीज़ को, कि हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कोलिजन थ्योरी एंड रिएक्शन रेट, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। कोलिजन थ्योरी एंड रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी और रिएक्शन रेट जो है इसको हम जब करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे कि आपके पास ए प्लस बी जो है वो मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब रेट जो आपका होगा ये एफ मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई जी पे डिपेंड करेगा, जी का मतलब जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपके पास एफ क्या चीज़ है, यानी पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एफ क्या होना चाहिए, एफ क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कि जिनके पास ये होगा यानी जो हमें ज़रूरी चाहिए था। और दूसरा प्रोबेबल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोबेबल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। तीसरा हमारे पास Z यानी Z है, ये क्या होता है फ्रीक्वेंट कोलिजन, यानी हमारे पास अगर ये चीज़ें होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट कैसे बनती है, किस तरीके से कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन थ्योरी असल में है क्या, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे आज के इस लेक्चर में क्लियर होते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर काफ़ी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप इसको दूसरी बार फिर देखें, आप इसको और क्लियर करते जाएंगे जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे, या मुख्तलिफ बुक्स की स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।